कई लोगों को देखा कि बीमार होते हैं, कभी अस्पताल का चक्कर, कभी डॉक्टर के पीछे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में फरमाया, इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रवायत किया और तिबरानी ने रवायत किया कि जो शख्स फजर के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह 4 मर्जों से उसको निजात अता फरमा देते हैं। उम्मीद है कि मस्तूरात तवज्जो से ये बात सुनेंगी और इसकी अहमियत को जरा समझेंगी कि जो शख्स फजर के बाद 3 मरतबा ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको 4 बड़े बड़े मर्जों से बचाएंगे। नंबर 1, पागलपन। अगर कोई आदमी मेंटली अनबैलेंस्ड हो, रिटार्डेड हो, या जिस बंदे को चीजें भूल जाती हो या चीजें याद न रहती हो, जहन से मुतल्लिका जो बीमारियां हैं वो इसी पागलपन के जुमरे में आएंगी। या किसी को मिर्गी की बीमारी होती है वो भी इसी जुमरे में आएगी। तो पहली बीमारी जो अल्लाह ताला दूर करते हैं वो है पागलपन, और दूसरी बीमारी कोढ़पन। कोढ़पन कहते हैं चेहरा बदसूरत हो जाना। ये भी हो सकता है कि बर्स की बीमारी हो जाए, जैसे बाज औरतों को जिल्द बिल्कुल सफेद हो जाती है और अजीब बदनुमा चेहरा हो जाता है, या कई मरतबा जिस्म पे तिल इतने निकल आते हैं, दाने इतने निकल आते हैं कि चेहरा बदनुमा हो जाता है, या चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं काले रंग के। तो चेहरे पे दाग पड़े, चेहरे पे दाने बने, या चेहरे पे बर्स के निशान पड़े, कोई भी चीज होगी वो इसी कोढ़पन के जुमरे में शामिल होगी, जिससे कि चेहरा इंसान का बदसूरत होता हो। ये बीमारी भी अल्लाह दूर फरमा देंगे। अब जिन बेचारियों को ब्यूटी पार्लर पे जाने का शौक रहता है और अपने फेस पे पता नहीं क्या क्या प्रोसेस वो करवाती हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो इस आयत को या इस फिक्रे को बार बार पढ़ें ताकि अल्लाह ताला उनके चेहरों की खूबसूरती देर तक सलामत रखें। और तीसरी चीज है अंधापन। अंधेपन से मुराद ये कि आंखों की बिनाई ही चली गई, या आंखों में मोतिया बिंद आ गया, या आंखों पे ऐनक लगानी पड़ गई। ये सब एक ही बीमारी की तफसीलात हैं। तो जिनकी नजर कमजोर वो भी पड़ सकती हैं, या जिनको लेंस लगाने पड़ते हैं कंटेक्ट लेंस सही या कोई और, उस मुसीबत से भी जान छूट गई। और जिनकी बिनाई चली गई अल्लाह उनके लिए भी आसानियां फरमा देते हैं। तो पागलपन की बीमारी खत्म, कोढ़पन की बीमारी खत्म, अंधेपन की बीमारी खत्म, और चौथा फरमाया फालिज की बीमारी खत्म। फालिज एक तो होता है कि इंसान का हाथ या पांव काम ही ना करें, और एक ये भी होता है कि इतनी वीकनेस कि औरत कहती है मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता, मेरे पांव सुन हो जाते हैं, मेरे हाथ सुन हो जाते हैं। ये सारी चीजें कमजोरी और फालिज की इब्तदाई स्टेजेस हैं। तो ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अब बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से जिस बंदे को बचने की खुशखबरी मिल रही हो तो वो तो फिर इस अमल को किए बगैर रह ही नहीं सकता। और ये अमल देखो छोटा कितना है। वो जो फिक्रा फरमाया हदीस में वो है सुभान अल्लाह अलअजीम व बिहम्दिही वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इतना सा फिक्रा पढ़ने पर
अल्लाह चेहरा भी पुर नूर बना देते हैं, मेमोरी भी तेज कर देते हैं, अल्लाह ताला बिनाई भी तेज कर देते हैं और अल्लाह ताला जिस्म में ताकत भी भर देते हैं।